अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं। तो यहाँ जो मैं आपका रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो डोनट्स की रेसिपी है। तो बच्चों ने तो बड़े शौक से खाए थे, लेकिन मुझे लगा मुझसे ना सही नहीं बने, और इधर एक मेरे साथ मिस हैप भी हो गया था। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि वो मिस हैप क्या हुआ था। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए चाहिए 2 कप मैदा, इसको अच्छी तरह छान लीजिए। 3 पिंच हमें सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, और 1 हमें चाहिए एग, मेल्टेड बटर, और 1/2 कप मैदा चाहिए, 3 टेबल स्पून शुगर चाहिए, और 1 टीस्पून हमें यीस्ट चाहिए। और चॉकलेट अंदर फिलिंग के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, नट्स वाली हो या जो भी हो, जिस तरह के आप चाहें पसंद करें वैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल 1/2 कप मिल्क है, और साथ ही 3 टेबल स्पून शुगर है। इसको ऐड करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हम मिक्स करेंगे हम लोगों ने, और इसके बाद जो यीस्ट था हम इसके अंदर यीस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसको कवर करके रख लेंगे 1/2 आवर के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे, और जो सॉल्ट का 3 पिंच वो हम डालेंगे, और मेल्टेड बटर डालेंगे, और जो हमारा एग था वो हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अच्छी तरह मिक्सिंग के बाद जो हमारे पास ऑल पर्पज़ फ्लोर था, मीन मैदा था, उसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग के बाद हमें इसके अंदर लम्स नहीं रहने देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद इसे मिक्स नहीं होता तो मैंने हैंड्स की मदद से इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। हमने अच्छी तरह गूंदना है, जैसे हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं लाइक वैसे ही ऑलमोस्टली। तो इसको हमें थोड़ा सॉफ्ट नहीं रखना है, इसको हार्ड रखना है। पिज़्ज़ा डो तो सॉफ्ट होती है, तो इसको हम जो है इसको फिर 2 आवर्स के लिए हमने रख दिया था इसको ऑयलिंग ब्रशिंग करके। तो इसको हमने गर्म जगह में रख देना है, और फिर इसके हम जैसे रोटी को बेलते हैं उस तरह हमने इसको बेल देना है। और जितनी आपने साइज रखना है डोनट्स का, हम उसके मुताबिक उसको काट लेंगे, और उसको फिर हमें एक प्लेट में रख लेंगे। और उसके बाद जो है इसको हमने 1/2 आवर के लिए उसको दोबारा हमने इनको ये पीसेस में करके 1/2 आवर के लिए हम रख देंगे, ताकि उसका साइज़ जो है तो डबल हो जाए। और कुछ लोग तो मैंने ग्लास की मदद से ले लिए थे, उसे बड़े साइज़ के बनाए थे, और कुछ मैंने स्टार शेप से बनाए थे, और सर्कल और हार्ट शेप के बनाए थे। तो इसके बाद इसको भी मैंने 1/2 आवर के लिए रख दिया था सबको। उसके बाद ये देखिए तो साइज थोड़ा सा डबल हो गया था। इसको फिर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था, इसको हम स्लो फ्लेम में जो है हम इसको पकाएंगे। देखिए उसका साइज़ जो है तो डबल हो रहा है, फूल रहे हैं। और इसके बाद जब मैंने इनको निकाल के इसको मैंने शुगर को कुछ भी कोट कर लिया था, और कुछ को मैंने जो है वो चॉकलेट लगा दी थी। और इधर मेरे साथ मिस हैप ये हुआ था कि मेरे ना चॉकलेट कोको पाउडर था मेरे पास, बस जो था वो सही था, जो दूसरा मैं लाई थी मैंने उस पर देखा नहीं था कि शुगर ऐड है कि नहीं है। तो उसमें मैंने जो है शुगर थी नहीं थी, तो फिर मैंने उसमें काफ़ी सारी शुगर डाली, उसकी वजह से वो थोड़ा जो है कलर भी इसका ऐसा हो गया था चॉकलेट का बना, इसका चॉकलेट कलर बड़ा अच्छा था। तो मेरे पास जो था वो उसको मैंने जो उसके अंदर होल किए थे वो मैंने कैचअप की बॉटल कॉपर वाला कैप जो था उसकी वजह से उसके अंदर मैंने होल कर लिया था, उसके अंदर मैंने चॉकलेट फिल कर दी थी। अगर पास आपके पास आइसिंग बैग नहीं है तो आप इसको फोन की मदद से या आइसी के जो कैचअप वाला था उसी से आप इसको जो है इसके अंदर आप जो है वो चॉकलेट फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उसके ऊपर मैंने चॉकलेट लगा दी थी, तो ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी डोनट्स की। कुछ बैटर बने थे, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट बनाऊँगी तो वो उसकी और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और उसके ऊपर जो है मैं क्रीम के लेयर्स और वो लेयर्स होंगे। वैसे ही बैठे हुए थे तो रात का टाइम था, तो बच्चों ने कहा मैं डोनट्स खाना है, तो मैंने कहा चले बना के देखते हैं।